सहरी का दस्तरखान, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस दस्तरखान पे कोई एक मौजू का इंतखाब कर लें, रोज़ाना किसी न किसी मौजू पर बात करें। आपने मौजू में सजेस्ट कर सकते हैं ट्विटर पे वसीम बदामी WSEMBADAMI पर। सर आज का टॉपिक पड़ोसियों के हकूक के हवाले से, कि बहुत सारी चीज़ें शायद जितनी बिजी लाइफ और सारा कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल मादूम होती जा रही है। हम पहले सुनते थे कि कितना ज़्यादा मेल मिलाप, ये वो, कोई खाना बन रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनता था पड़ोसी के लिए। अब ऐसा कल्चर है कई इलाकों में तो कि पता भी नहीं है कि बराबर में रहता कौन है और क्या। ये बातें पहले हम बाहर के मुल्कों के बारे में सुनते थे कि यार वहाँ तो ऐसे होता है कि पता भी नहीं है बराबर में। अब हम यहाँ भी देखते हैं। तो मुफ्ती आमिर साहब, अगर आपसे आगाज़ करें, पड़ोसियों के हकूक क्या क्या फरमाया इस्लाम ने, क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल वसीम भाई, पड़ोसियों के हवाले से कुरान और हदीस में बाकायदा ताकीद और अहकाम आए हुए हैं और इसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हुकूक लिबास से इसका ताल्लुक़ है। अगर हम देखें अपने फैमिली मेंबर्स के बाद, तो पहला हक जिसका बनता है वो पड़ोसी का बनता है। और आप ये देखें कि पड़ोसी के हवाले से जब हज़रत जिब्राइल कोई पैगाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास लेकर आते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इस कसरत से पैगाम आए पड़ोसी के, कि ये ख्याल गुजरा कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में भी हिस्सेदार ना बना दिया जाए। यानी आप देखें कि किस कदर जो है वो पड़ोसियों के हवाले से हिदायत मिलती रही। हमारे यहाँ पे ये होता है कि पड़ोसियों के मामले में थोड़ा सा सुस्ती का शिकार होते हैं और इतना अहमियत नहीं देते हैं। ये मैंने इसलिए ये बात ज़िक्र की कि आप कोई चीज़ बनाएं पड़ोसी को दे दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तक फरमान है कि अगर आप शोरबा बनाते हैं तो उसमें पानी डाल दें थोड़ा सा और बढ़ा दें, ताकि आप पड़ोसी को दे सकें अगर कम है तो, और बिल्कुल नहीं दे सकते तो आप कम से कम अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका कचरा जो है वो उसका छिलका बाहर ना फेंके, कि पड़ोसी को देख के ये फील गुजरे, ख्याल गुजरे। अगरचे कि मैं नहीं समझता कि पड़ोसी जो है वो ज़रूरी है कि इस तरह हो, लेकिन हमें तरबियत की जा रही है कि इतना मौका भी ना दिया जाए। यानी पड़ोसियों को अच्छी चीज़ बनाइए तो भेजना, और अगर कोई चीज़ आप नहीं भेज सकते तो उनको किसी किस्म की बदगुमानी ना पैदा हो। हमारा मामला उल्टा होता है, हर बुराई पड़ोसी की तरफ भेज देते हैं, कचरा होता है उधर फेंक देते हैं, शोर शराबा, कोई बीमार है, कोई परेशान है तो हम कभी जाके पूछते भी नहीं हैं। बल्कि अब तो आपने जो बात जिक्र की, हमारे मुल्क में भी ये नौबत आ चुकी है कि हमें नहीं पता होता बाज़ सोसाइटीज़ हैं कि पड़ोस में रहता कौन है, और उसको ये शायद बहुत बड़ा मतलब एक ये तसव्वुर करते हैं कि ये पढ़े लिखे और मतलब वेल टू डू लोगों का काम है। हालांकि ऐसा नहीं है। पड़ोसियों का इस्लाम में एक बाकायदा जो है वो एक हक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतलुबुल जार कबलद्दार, कि तुम जो है वो घर तलाश करने से पहले पड़ोसी तलाश करो। अरे अरे अरे, अच्छा, यानी पड़ोसी जितना अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी उतनी पुरसकून होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहाबी वबारिक वसल्लम। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई। कुरान करीम में पाँचवें पारे में तीन पड़ोसियों का जिक्र है। अच्छा। वल जार ज़िल क़ुरबा, वल जार जुनूबी, व साहिब बिल जम्बी, वबन सबील। ये तीन पड़ोसियों का जिक्र है। अच्छा, एक पड़ोसी वो है कि जो आपके अजीज़ो अकारिब हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वही पड़ोसी हैं। ठीक है। इसी तरीके से वो पड़ोसी, मिसाल के तौर पर आप अपने घर में हैं, आपके साथ जो हैं वो भी पड़ोसी हैं, पड़ोस में है ना। और इसी तरीके से आस पास घरों में रहने वाले वो भी पड़ोसी हैं। यहाँ तक कि आप अगर सफ़र में जा रहे हैं और आपके साथ जो बैठा हुआ है, अगरचे वो दाइमी पड़ोसी नहीं लेकिन आर्जी पड़ोसी है, तो आपको हर मकाम पर उनके हकूक का ख्याल रखना है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ मामला ये है कि हकूक लो, राइट्स लो, अपने फ़राइज़ को अदा ना करो, इसकी कोई फिक्र नहीं होती। अच्छा, यही वजह है ना कि आप अगर पड़ोसी से बात करें तो वो कहेगा मैं पड़ोसी हूँ आपका, मेरा आप पर हक बनता है। ओ भाई, अगर आपका मुझ पर हक बनता है तो मैं भी आपका पड़ोसी हूँ, मेरे भी आपके 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 ऊपर राइट्स बनते हैं। अच्छा, ये भी नहीं कि सिर्फ गरीब पड़ोसी का ख्याल रखा जाए। ठीक है, गरीब हो तो ज़्यादा ख्याल रखा जाए, लेकिन अगर अमीर भी हो तो खबरगिरी करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्हें कोई मीठा भिजवाने में, कोई सालन वगैरह खाना भिजवाने में कोई हर्ज नहीं है। आप पोश एरियाज में जाएँ, देखें ये ग्राउंड की बात है, पोश एरियाज में जाएं और उनसे पूछें कि ये फलां साहब कहाँ रहते हैं। वो एक दो घर छोड़कर भी रहते होंगे, कहेंगे मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं।
तो ये बदनसीबी की बात है। ये कोई मतलब यूँ समझ लें कि कोई मयार नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये इस्लाम से दूरी है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी बात और कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि इज़ा क़ाल जीरानुक अंत मुहसिन फअंत मुहसिन, कि जब तेरा पड़ोसी तेरे लिए ये बात कहे कि तू अच्छा है तो तू अच्छा है। वइज़ा क़ाल जी सनद है, وَإِذَا قَالَ جِيرَانُكَ أَنْتَ مُصِيبٌ فَأَنْتَ مُصِيبٌ, जब तेरा पड़ोसी तेरे बारे में कहे कि तू बुरा है तो तू बुरा है। देखिए मैं बाज़ औक़ात हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर बड़े अच्छे अखलाक के होते हैं, बेहतरीन, आप कहेंगे बड़े, उनके पड़ोसी से पूछें तो कहेंगे यार बड़ा तंग करता है ये, बड़ा परेशान करता है। तो पड़ोसियों के हुकूक हैं और हमें पूरे करने हैं, हुकूक भी हैं फ़राइज़ भी हैं। वाह वाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, कुरान का 107वां सूरा है सूरतुल माऊन, ठीक, जिसमें 7 आयात हैं, 25 कलमात हैं, 114 हुरूफ हैं, ठीक है। और उसमें अल्लाह सुभानहु तआला ने जब बात शुरू की ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला युहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साऊन अल्लज़ीन हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बात शुरू की है कि क्या ए हबीब आपने नहीं देखा उस शख्स को कि जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है, यानी कयामत को मानता ही नहीं। सही। तो आप देखिए यार कितना बड़ा ये काफिर होगा कोई कि जो कयामत को ही नहीं तस्लीम करता, कहता है ही नहीं कोई कयामत, मरने के बाद कोई ज़िंदगी ही नहीं है। सही। वहाँ से फिर अल्लाह सुभान व तआला जिक्र किया कि ये वो है कि जो यतीम को धक्के देता है, यानी यतीम का ख्याल नहीं करता। ये वो है कि अगर नमाज भी पढ़ लेता है, यानी इसको मुनाफिकीन का जिक्र है, तो नमाज भी पढ़ता है तो दिखावे की खातिर पढ़ता है। अब ऐसी बड़ी बड़ी बातों का जिक्र हो रहा है, और आखिर में जो आयत है वयमनऊन अल माऊन, ये वो है कि जो पड़ोसी को छोटी छोटी मांगने वाली जो छोटी छोटी जरूरत की चीज होती है वो भी नहीं देता। तो देखिए अल्लाह सुभानहु ताला वहां से बात शुरू करते करते इन लोगों की अलामतें बयान की, और फिर आखिर में वयमनऊन अल माऊन, ये जरूरत की मुख्तसर चीजें भी देने से गुरेज करते हैं। लिहाजा सरकार खत्मी वर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी के लिए जरूरत की कोई छोटी चीज देने में भी मुरुव्वत ना दिखाए, एहसास ना करे, तो अल्लाह सुभान व तआला फिर कयामत में भी उसका लिहाज नहीं करेगा। इसलिए कुरान करीम का ये मैसेज है, और हज़रत सैयदा कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो शब कदर में जब दुआ फरमाती थी तो इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि ऐ मादर ग्रामी, पूरी रात गुजर गई आप दूसरों के लिए दुआ करती रहीं, पड़ोसियों के लिए और घर वालों के लिए अभी तक आपकी ज़बान नाम नहीं आया। तो बीबी ने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि, उन्होंने जवाब दिया कि अलजार सुम्मतदार, के पहले पड़ोसी का हक है फिर घर वाले के लिए दुआ है। हत्ता दुआ मांगने में भी बिनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह एहसास दिलाया कि देखो पहले पड़ोसी का हक रखो उसके बाद अपने लिए। तो ये एक जरूरत के मांगने की चीज़ों के लिए भी है। और फिर फरमाया कि मन अकला तआमन, जो खाना खा रहा हो, वह ज़ू ऐनन यंज़ुरु इलैह, और कोई भी दो आंखों वाली मखलूक उसे देख रही हो, यानी यहां पर आप इंसान की बात नहीं की, हैवान भी हो सकता है, वलम युवा से है, और वो उसका एहसास ही ना करे क्या वो मुझे देख रहा है, तो अल्लाह सुभान व तआला उसे कैसी बीमारी में मुबतला करेगा कि इसका कोई इलाज नहीं होगा। अल्लाह, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि अचानक सुनते हैं यार बीमारियां इतनी बढ़ रही है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, पता नहीं एक साहब थे अच्छे खासे थे, पता नहीं क्या हो गया, तो इसके कुछ मानवीय असरात भी हैं कि हदीस में आया है कि दो आंखों वाला, यानी अगर कोई हैवान भी आपको देख रहा है और आपने एहसास ही नहीं किया, नहीं है, यानी कम से कम कुछ तो डाल दो उसके सामने, तो फिर पड़ोसी की क्या बात है। तो अल्लाह सुभान व तआला फिर एक ऐसे मरज में मुबतला कर देगा कि जिसका कोई इलाज नहीं होगा। सूरतुल माऊन खत्म हुआ कि जो छोटी छोटी मांगने की चीजें भी नहीं देते, और फिर अगला सूरा शुरू हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर, ए हबीब हमने आपको खैर कसीर अता किया। सुभान अल्लाह। जाते जाते एक एक मिनट का कॉमेंट कर दीजिए अगर इस पर भी, कि अपने रिश्तेदारों का हम देखते हैं कि कुछ यानी वो जी मैं वो फला मेरी शादी में नहीं आता, फला तो मेरे जनाजे पर भी ना है, ये मतलब ये तो रिश्तेदारों का ख्याल ही अलग से मौजू है, लेकिन इस पर अगर एक एक कमेंट इस पर भी कर दें अगर पहले मुफ्ती आमिर साहब। बिल्कुल, रिश्तेदारों का भी जो मामला है वो बड़ा सख्त मामला है, इसको आम तौर पे हमारे यहाँ पे सिला रहमी कहा जाता है, यानी जो रहमी रिश्तेदार हैं, डिस्टिंग जो क्लोज वाले जो रिश्तेदार होते हैं हमारे, तो उनके साथ अच्छा सलूक करना सिला रहमी कहलाता है। सिला रहमी की कुरान में ताकीद की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से बाकायदा अहकामात इरशाद फरमाए, और ये बाकायदा अलामात ईमान में से करार दिया कि अगर किसी का भाई नाराज़ है, रिश्तेदार नाराज़ है, तो इस हाल में कि अगर 3 दिन गुजर जाए
तो फरमाया कि वो फिर मोमिन नहीं है, यानी उसका ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए एक बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि खुदा ना खास्ता कोई रिश्तेदार इतना वबाल बन जाए कि उससे मतलब अगर ताल्लुक रखते हैं तो आपको और आपकी फैमिली को नुकसान पहुँचता है, तो फिर भी उसके खिलाफ कुछ ना करें, अल्लाह पर छोड़ दें, समझाने की कोशिश करें। लेकिन अगर उसमें दूरी इख्तियार की जाए तो जाहिर है कि वो फितना फसाद से दूरी है, लेकिन ये बात कहना कि मेरे जनाजे में ना आए, ये ये मुनासिब नहीं है। ठीक है ना, सगे भाइयों को ये कहते हैं। दूसरी बस आखिरी बात करूंगा कि बगैर किसी वजह के अगर वो रिश्ते काटता है तो सुन लें कि ला यरहमुल्लाहु कौमन फीहिम क़ातिउर रहमन कि अल्लाह ताला उस कौम पर रहम नहीं फरमाता जिसमें एक भी कतई रहमी करने वाला मौजूद हो। अगर हदीस में मुख्तसर ये भी आया है कि अगर किसी का कोई बुरा रिश्तेदार है, हुजूर से किसी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरा बुरा रिश्तेदार का कोई शख्स गुनाहगार है तो क्या होगा उसके साथ, का अल्लाह ताला को बुरा रिश्तेदार उसे दे देगा, तो अगर उस पर वो सब्र करेगा तो अल्लाह सुबहान व तआला ये सब्र उसके लिए गुनाहों का कफारा बना देगा। क्या अगर कोई बुरा रिश्तेदार भी ना हो तो फिर क्या अल्लाह को बुरा पड़ोसी दे देगा कि जिस पर वो सब्र कर ले तो अल्लाह ताला उस सब्र को गुनाहों का कफारा बना देगा। क्या अगर ये भी ना हो तो क्या शायद बुरा शरीक हयात या बुरी शरीक हयात भी दे देगा अल्लाह ताला, अगर उस पर सब्र कर ले तो उसके लिए गुनाहों का कफारा बना देगा। अलबत्ता इस हदीस को सुनाते हैं हमेशा अर्ज करते हैं कि दूसरों के लिए ना सोचें कि अच्छा मेरे गुनाह से माफ़ हो रहे हैं, कहीं आपकी आपकी बुरी हरकत की वजह से किसी और के गुनाह ना माफ हो रहा हूँ, तो अपने आप को सोचें कि मैं तो किसी के लिए बुरा रिश्तेदार नहीं या मैं तो किसी के लिए बुरा शरीक हयात नहीं या बुरी शरीक हयात नहीं। तो बहरहाल उस पर सब्र करना फकत आपके यहाँ के मामला को ठीक नहीं करता, आपके लिए वहां के मामलात को भी सुधार देता है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया तमाम उलमा करम का, बहुत शुक्रिया। कल का हमारा मौजू तोहमत का मौजू रखते हैं कल के, किसी से कोई बात मंसूब कर देना चाहिए बड़ा कूल है ना, कि महफिल में बैठे हैं किसी ने किसी के बारे में बात किया सुना है वो ऐसा है, तो एक ये जुमला कहना तो बड़े कॉमन है कि हाँ होगा पता नहीं लेकिन होगा यार लगता तो ऐसा ही है, तो ये कितनी बड़ी बात है या क्या है इस पर जरा कल बात करते हैं। इस मुताले आप जहाँ सवाल भी भेजिएगा कल इंशाल्लाह इस मौजू पर बात होगी। रोजा रखने की दुआ। وبصوم غد نويت من شهر رمضان, मैं माह रमजान के कल के रोजे की नियत करता हूं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة
خير من النار. الله أكبر الله أكبر لا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وباسم مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاك الله بہت شکریہ جناب وسیم وسی صاحب, خوبصورت انداز میں اذان فجر دینے کا اعزاز حاصل کیا, اور یوں پورا پاکستان اب داخل ہو گیا ہے تیسرے روزے کی طرف. الحمدللہ دنیا کے کچھ ممالک میں چوتھا روزہ اختیار کیا جا رہا ہوگا یا کیا جا چکا ہوگا. آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اور اسی آیت سے اور آیت کریمہ سے آج کی نشریات کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن اللہ نقدر علیہ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی, کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ دوپہر 1:45 پر شان افطار انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.